दीनदयाल गौ अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण 28 नवंबर को डॉक्टर मोहन भागवत सर संघचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा किए जाने के दृष्टिगत शनिवार को दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति दीनदयाल धाम फरह ने दीनदयाल गौ ग्राम परखम में प्रातः 11 बजे वेद मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत रूप से गृह प्रवेश कर लिया। गृह प्रवेश काशी के विद्वानों द्वारा वेद मंत्रोच्चारण और हवन पूजन के साथ कराया गया। गौ पूजन पर प्रसाद वितरण भी किया गया। समिति के मंत्री हरिशंकर शर्मा ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की धरती से अब गौ वर्धन की अलग जगेगी। छात्र यहीं पर छात्रावास में रहकर गाय की अलग अलग प्रजातियों पर अनुसंधान करेंगे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर मोहन भागवत सर संघचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक 28 नवम्बर को दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण करेंगे। इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भी शामिल हो सकते हैं, साथ ही साध्वी मंगल माता भी कार्यक्रम में रहेंगी। उन्होंने बताया कि यहां देश का पहला आयुर्वेद आधारित पशु चिकित्सालय बन रहा है। इस प्रकल्प में गौवंश की नस्ल सुधार के साथ ही विश्व स्तरीय शोध किया जाएगा। 32 एकड़ जैविक खेती एवं भूमि गौचारण के लिए रहेगी। एक बुनकर प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। बायोगैस प्लांट का लोकार्पण भी किया जाएगा। साथ ही यहाँ पढ़ाई जाने वाली पाठ्यक्रम का विमोचन भी संघ प्रमुख करेंगे। यहाँ पर गाय के गोबर, मूत्र और दूध से कैंसर जैसी बीमारियों से इलाज पर अनुसंधान किया जाएगा। भारत में मौजूद सभी 32 गायों को यहाँ अलग अलग ब्लॉक में अनुसंधान के लिए रखा जाएगा। इसी परिसर में बलभद्र व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान भी बनेगा। इसमें कृषि, बागवानी, कृषि अभियांत्रिकी, भूस्थानिक प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के साथ ही डेयरी प्रौद्योगिकी के साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर क्षेत्र प्रचारक महेंद्र शर्मा, सह प्रांत प्रचारक धर्मेंद्र, निदेशक सोनपाल, सर्व व्यवस्था प्रमुख महावीर, सह प्रांत प्रचारक प्रमुख कीर्ति कुमार, कोषाध्यक्ष शशिकांत गुप्ता, डॉक्टर अनुराग शर्मा, कोषाध्यक्ष शशिकांत, अशोक टेंटीवाल, नरेंद्र पाठक, जगमोहन पाठक, राम पाठक आदि उपस्थित रहे। गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र का निर्माण कार्य हुआ है। ये अनुसंधान केंद्र देश में एक अनूठा है। यहाँ पर एक गौशाला का भी निर्माण कराया गया है। गौशाला का मतलब ये नहीं कि हम लंबी लंबी जो गौशाला चला रहे हैं। गौशाला में केवल 250 गाय रहेंगे, जिसमें अपने देश में वर्तमान में 32 प्रजाति की गाय बची हैं, जो देसी गाय। उन सभी प्रजाति की गायों को यहाँ पर लाने का प्रयास किया जाएगा और ऐसा एक पैथोलॉजी बनाया जा रहा है जिसमें कैंसर का भी जांच होगी और कैंसर की जो रोग दूर किया जाएगा उसका उपचार भी गौ उत्पाद से होगा। गौ उत्पाद से भी दवाएं निर्मित होगी, गाय के दूध से, गाय के पेशाब से, गाय के घी से पंचकव्य तैयार करके कैंसर का भी इलाज किया जाएगा। ये देश का एक ऐसा प्रकल्प है जहाँ केवल आयुर्वेदिक चिकित्सा के द्वारा ही बीमारियों का निदान किया जाएगा। एलोपैथिक का कोई प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। जो गाय हैं उनका रखरखाव भी हम सामान्य तरीके से नहीं कर रहे हैं। गौशालाओं के लिए अलग अलग ग्रुप में 10-10 गायों को रखने का ऐसा हमारा तैयारी की गई है। ग्वालाएँ भी उनके लिए अलग अलग रहेंगे। जो गाय होंगे उनका पेशाब, उनका गोबर कलेक्ट करने के लिए ग्वाला बिल्कुल तैयार रहेंगे। उन गायों के बछड़े भी उनके सामने रहेंगे। ऐसी शेड में रहने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो गौशाला में आने वाले लोग हैं उनके भी उसके घूमने के लिए, गौचारण के लिए यहाँ पर करीब 32 एकड़ जमीन में गौचर भूमि में ऐसा वृक्षारोपण और ये जैविक खेती का कार्य किया जाएगा। जैविक खेती के द्वारा जो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ये विषयुक्त एल्कोहल के द्वारा सब्जियाँ गेहूँ उत्पाद हो रहा है, उससे सारी बीमारी और कैंसर बढ़ रहा है। उनके निदान के लिए हम जो गौशाला के द्वारा जो गोबर इकट्ठा होगा उसमें बायोगैस जनरेटर का भी हमने प्रावधान किया है। बायोगैस जनरेटर के द्वारा ही अपना बुनकर केंद्र भी चलेगा। ऐसा बुनकर केंद्र होगा जो अपने क्षेत्र में करीब 55 गाँव आसपास में हैं, उन गाँवों के लोगों को बुला करके उनको प्रशिक्षण देने का कार्य भी हम करेंगे। और बुनकर केंद्र की मशीनें उनको जिस प्रकार से सहयोग से उनके प्राप्त हो सकती है उनको दिलाने का प्रयास किया जाएगा। बुनकर केंद्र की मशीन जब गांव में लगेंगी
तो उनको कच्चा माल भी हम यहाँ से उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। उनका बना हुआ माल बाजार में अच्छी कीमत में कैसे बिक सकता है, इसका भी हमने विचार किया है कि जो मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति है उसको अपने रोजगार का साधन मिले, इस पर भी हम लोगों के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये कितने करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है ये प्रोजेक्ट? इस समय जो गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र जो आप लोग सामने खड़े हुए दिखाई दे रहा है, इसमें एक एडमिन ब्लॉक है और क्लास रूम है, ये लगभग 16 करोड़ की लागत से इसमें तैयार हुआ है। आगे जो गौशाला के सेट आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी करीब 1 करोड़ रुपये वर्तमान में लग चुके हैं। बाकी की गौचर भूमि के लिए भी हम सुधार करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो भी